नमस्कार, मैं उदय एमके न्यूज के खास कार्यक्रम निकायकरण ओबीसी आरक्षण में आपका स्वागत है। लखनऊ हाई कोर्ट के फरमान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण के चक्कर में फंस गई है। सोमवार को कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। ऐसे में सरकार मझधार में फंस गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इससे वोट बैंक खोने का खतरा है। इसका सीधा असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं। पहला, वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वहां से स्टे लेकर चुनाव करा दे, और दूसरा, हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए कमेटी बनाए। अगर यूपी सरकार कमेटी बनाती है तो चुनाव होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, जबकि हाईकोर्ट ने सरकार से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, तो हम आपको सभी मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। साथ ही समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश चैनल हेड वकास वारसी जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा केसी जैन जी का। केसी जैन जी, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हम देख रहे हैं कि अब किस तरह से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो कहा है कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराया जाए, वो भी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर। ऐसे में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव किस आधार पर होंगे और कब तक होंगे? केसी जैन जी, जी डाली है उसके आधार पर, उसके आधार पर। जी, आवाज मिल रही है हमारी? जी सर, गेस्ट सर आवाज मिल रही है। जी जी, देखिए दो तीन बातें माननीय उच्च न्यायालय ने कही है। पहली बात तो ये कि जो निकाय चुनाव है वो जल्दी से जल्दी समय से पूर्ण हो जाए। दूसरी बात ये कि जो ट्रिपल टेस्ट व्यवस्था है उसके अनुसार निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के सिस्टम को लागू नहीं किया गया है, इसलिए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही मान करके चुनाव कराने होंगे। और कहीं पर भी उच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा है कि किसी के अधिकारों का हनन हुआ है। क्योंकि वर्तमान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था संविधान के द्वारा प्रदत्त है, और 27% आरक्षण के अंतर्गत ही सारी की सारी लिस्ट जारी की थी। लेकिन जो व्यक्ति ओबीसी का है और चुनाव लड़ना चाहता है, वहां पे जनरल सीट है, वो चाहता है हमारी सीट को ओबीसी कर दिया जाए, तो ऐसे में जो जहां पर चुनाव लड़ना चाहता है वो चाहता है उस सीट को ओबीसी कर दिया जाए। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है कि 50% से ज्यादा आरक्षण ना लागू हो और 27% आरक्षण ओबीसी कोटे को दिया गया है, ऐसे में जो जहां तक सरकार का निर्णय है, सरकार बिल्कुल यही चाहती है कि जो आरक्षण व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही चुनाव हो। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट भी किया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम उच्चतम न्यायालय की ओर भी जाएंगे। और इस ट्रिपल टेस्टिंग जो सिस्टम है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, अगर जरूरत पड़ी तो उसको लागू करते हुए और उच्च न्यायालय जा करके और ट्रिपल सिस्टम को लागू करके और आरक्षण के अंतर्गत ही चुनाव होगा, ये चीज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट कर दी है और माननीय मंत्री AK शर्मा जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। तो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के द्वारा प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कहीं पर भी हेरफेर नहीं होगा, और उच्च न्यायालय के निर्णय के अगेंस्ट सरकार उच्चतम न्यायालय की ओर जाने के लिए अग्रसर है। जयंत करें तो ज्यादातर, अगर ज्यादातर हम देखें नगरीय निकाय का जो कार्यकाल है वो जनवरी में खत्म होने वाला है, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एक मंथ के अंदर कैसे ट्रिपल टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो सकता है? इसके लिए तो अभी वक्त लगेगा, तो कैसे इतनी जल्दी नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होंगे? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है, और इसीलिए अगर आवश्यकता पड़ी तो उस पे अभी मंथन किया जा रहा है। और जो देखिए 700 पेज के से भी ज्यादा पेजेस का माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, तो उस पे मंथन किया जा रहा है और जो वित्त विशेषज्ञ हैं उनकी राय ली जा रही है और उसके अनुसार आगे का निर्णय सरकार लेगी। लेकिन ये स्पष्ट है कि कहीं पर भी जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें कहीं पर भी किसी को कोई हानि नहीं थी, कहीं पर भी किसी के लाभ को हानि पहुंचाई गई थी और ना कोई उसमें कटौती की गई थी। बस ये कि कौन सी सीट कहां से
आरक्षण कोटे में होगी कौन सी नहीं होगी, देखिए जो जहां पर है वो अगर चुनाव लड़ना चाहता है वो सरकार रही। केसी जैन जी, 5 साल आपकी सरकार रही, सरकार के पास 5 साल में इतना वक्त नहीं था कि ट्रिपल टैक्स जो है वो करा लिया जाए। एंड वक्त पे जब चुनाव होने की तारीख नजदीक आने वाली, ऐसे में सरकार की तरफ से ये आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि ट्रिपल टैक्स फॉर्मूला अपनाया जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या 5 साल में टाइम नहीं था सरकार के पास? ये निर्णय 2013 का था, और क्या 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद में जो भी चुनाव हुए वो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव हुए। लेकिन आरक्षण में ऐसा नहीं है कि आरक्षण में कहीं पे कोई कटौती की गई या किसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। बस ये कि कोई कहता है हमारी आबादी ज्यादा इस सीट को आप ओबीसी कर दीजिए, दूसरा पक्ष ये कहता है कि दूसरी सीट को ओबीसी कर दीजिए। लेकिन सरकार ने पूरा की पूरा आकलन करने के बाद में ही जो ओबीसी सीटें हैं उन सीटों को घोषित किया है, लेकिन फिर भी लोगों को आपत्ति है। आपत्ति तो विधानसभा चुनाव में भी थी इसके पहले कि कौन सी सीट ओबीसी हो कौन सी ना हो, तो आपत्ति हमेशा समाजवादी पार्टी। ओवर टू यू अब्बास हैदर साहब। ओवर टू यू। जी देखिए अब्बास हैदर साहब। जी 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 साहब, देखिए दो तीन बातें मैं अभी सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको, और बहुत विरोधाभास है इन्हीं की बातों में। अगर आप दोबारा इनकी जो स्टेटमेंट था उसको सुनेंगे तो आपको विरोधाभास दिखेगा। देखिए 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के फैसले की ट्रिपल टेस्ट का काम लेकर के उसकी प्रक्रिया के तहत ही आरक्षण को लागू किया जा सकता है निकाय चुनाव में। उसके आधार पे माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल निर्णय दिया है उस निर्णय में ये स्पष्ट किया है कि आप ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को आपने फॉलो क्यों नहीं किया, आपने प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे सरकार की सोची समझी साजिश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो फरमान जारी करती है, जो न्यायालय है वो मेरिट के आधार पर फैसला देता है, और जो उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान जारी हुआ है, मतलब अभी फरमान भी 4 तरीके के आ रहे हैं, कल एक और इनके प्रवक्ता दूसरे तरीके की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या प्रक्रिया फॉलो होगी। देखिए एक आर्टिकल है 243U हमारे संविधान में, जो ये कहता है कि जो न्याय जो आपकी लोकल बॉडीज हैं उसका चुनाव सुनिश्चित करे सरकार उनका समय सीमा समाप्त होने से 1 महीना पूर्व। अब यहाँ पे इस केस में 31 जनवरी को समय सीमा समाप्त हो रही है, तो इनको चुनाव सुनिश्चित करके उसके नतीजे देने हैं। अब आप बताइए कि जो न्यायालय है वो तो इसी आधार पे फैसला देगा, बल्कि न्यायालय ने जजमेंट ये बता रहे थे 900 पेज का बता दिए, फिर 87 पेज का जजमेंट है जिसमें 1.5-2 पेज का ऑर्डर है, और 2 पेज का ऑर्डर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिखा है कि इस आर्टिकल के आधार पे वो चुनाव कराने का आदेश सरकार को दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उसका पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो पहले पैराग्राफ में पहले न्यायालय ने कहा है कि भाई जो 5 तारीख का ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया, उसके बाद 12 तारीख को एक ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था जिसमें जो फाइनेंशियल पावर थे निकायों के वो वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ और नगर आयुक्त को दिया गया था, वो ऑर्डर क्वेश्चन किया। उसके बाद तीसरे पैरा में न्यायालय ने ये कहा कि ये प्रक्रिया तो फॉलो ही होनी है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन क्योंकि इसमें समय लगेगा और हम निकाय को बिना उसके जो जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार है शहरों की उसके बिना नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे अभी चुनाव कराने का हम आपको आदेश देते हैं। अब्बास जी एक और चीज आपसे समझ चाहूंगा, सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू नहीं किया था, ऐसे में अब हाईकोर्ट ये कहना है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए वो भी ट्रिपल टेस्ट के आधार पर, नहीं तो सभी जो सीट है वो सामान्य सीटें हो जाएंगी। ऐसे में तो और जो ओबीसी आरक्षण जो ओबीसी वर्ग है उनके साथ यहाँ पर नाइंसाफी होगी। देखिए मैं बात कर, देखिए एक चीज सरकार ने सभी सीटों की बात नहीं करी है, इसमें लिखा है कि यू शुड नोटिफाई इलेक्शन ऑन ऑल दी सीट एक्सेप्ट सीट विच आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी एससी की सीटों को छोड़ के बाकी सीटों को सामान्य के आधार पे चुनाव कराने को कहा गया। अब देखिए इसमें मतलब क्या है, न्यायालय जब फैसला करेगा वो न्याय संगत होगा, और न्याय संगत बात इसमें ये है कि जब आप चुनाव, क्योंकि देखिए यहाँ पे मामला ये कि गलत तरीके से आरक्षण प्रस्तुत ना हो। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, उसके पहला आधार होता है कि एक आयोग का गठन हो, वो आयोग जाकर के जांच करे और देखे कि कहाँ पे किस जाति की कितनी आबादी है, और उसके आधार पे अपनी फाइंडिंग पे जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो सरकार सीटों का परिसीमन करे और उसकी उसी हिसाब से
तीसरी प्रक्रिया ये आती है कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक ना जा पाए एससी एसटी ओबीसी सबका मिला करके। ये तीन प्रक्रिया होती है ट्रिपल दस पे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसको पूरी तरीके से सरकार ने जानबूझ के नकारा है। अगर आपको याद हो तो 2015 में मोहन भागवत ने एक बयान दिया था बिहार चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, और इसके एक और मनमोहन वैद्य करके आरएसएस के बड़े नेता है, उन्होंने भी 2017 में इसी तरीके का बयान दिया, और कल साध्वी प्राची इनकी मंत्री है भारत सरकार में राज्य मंत्री है, उनका बयान भी मैं सुना था कि बिना आरक्षण के चुनाव होगा तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इनकी आरक्षण विरोधी मंशा है, क्योंकि ये जानते थे कि जब हम ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाएंगे नहीं और आरक्षण जारी, पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर विकास मंत्री बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरक्षण को जारी करता है। आरक्षण जब जारी हो जाता है उसके बाद आपको मालूम है कि लोग कोर्ट जाएंगे, क्योंकि न्याय संगत नहीं है, और जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट यही फैसला ले, क्योंकि समय सीमा भी आ गई है, 5 साल नहीं 6 महीने का पीछे एक आयोग बना करके इसकी प्रोसीडिंग को ला करके उस तरीके से इसको करते, लेकिन जान सरकार ये चाह रही थी कि सरकार का मंशा ये थी कि ओबीसी पिछड़ों का आरक्षण को खत्म किया जाए। बाजी मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ प्रमोद जी भी जुड़े हैं। प्रमोद जी अगर बात करें तो जिस तरह के हालात हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, इस तरह के हालात हम मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में भी देख चुके हैं, वहां भी सरकारों ने कुछ न कुछ समाधान निकाला है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या समाधान निकलते हुए नजर आ रहा है निकाय चुनाव को लेकर? प्रमोद जी मुझे नहीं लगता है कि अब इसके महाराष्ट्र बिहार मध्य प्रदेश की तरीके से कोई रास्ता निकल सकता है। अगर आप जो नियम की बात करें तो 31 को कायदे से चुनाव हो जाने चाहिए, इस प्रक्रिया को ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 31 को, ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है, कहता हूँ कि ये सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही कही जा सकती है, अधिकारियों की लापरवाही की, मतलब सरकार वो तो सरकार या अधिकारियों किसी को भी आप कह लें, जब ट्रिपल टेस्ट की बात हो गई कि 21 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक वर्डिक्ट दिया था और ये निर्देश दिया था कि इसके आरक्षण पीछे के आरक्षण से लेके आप एक ट्रिपल टेस्ट कराइए, आयोग बनाइए, उसके बाद उसको निर्धारित कीजिए और तब आप उसको कराइए, तो 21 से लेके अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सवालिया निशान सरकार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर आता है, उन्होंने नहीं हुआ और ये उन्होंने कोर्ट में स्वीकार भी किया है सरकार ने, ये हमसे चीज हुई है तो कोई टेस्ट नहीं हुआ है और हमने उसको कर दिया है। बात है कि उन्होंने उसका एक लॉजिक अलग लिया कि समय नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन इससे लेकर अब तक समय तो पर्याप्त था, अगर चाहती तो हो सकता था। निश्चित रूप से ये सरकार की इसमें तबीयत हुई है, सरकार इस समय निश्चित रूप से बैक फुट पर है, ये सामने धर्म संकट की स्थिति है। वो जो अभी योगी जी ने एक बात कही है कि हम आरक्षण लागू करेंगे, आरक्षण के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे, सवाल ये है 31 तक तो ये हो नहीं सकता कि आरक्षण के बगैर हो, उच्च न्यायालय का आदेश हो गया है। फिर बात ये है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का उसने एक है या उसने एक निर्णय अपना दिया है ट्रिपल टेस्ट के बाद ही कराएंगे, उच्च न्यायालय में अगर आप जाते भी हैं अपील कर रहे हैं जी, न्यायालय आपके पक्ष में कहां फैसला देगा, अपना वर्डिक्ट बदलेगा? नहीं लगता कि एक पॉलिटिकल काम तो हो सकता है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीएमओ जाएंगे या कहीं भी जाएंगे जी। प्रमोद जी लौटूंगा मैं आपके पास, प्रमोद जी मैं लौटूंगा आपके पास जी। बकास भारती जी अगर बात करें तो हम आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता का रुख किस ओर है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, आरक्षण जो है जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह का मन बना के बैठी, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होने की यहाँ पर आशंका नजर आ रही है लोकसभा चुनाव में? देखिए मैं आपको बताऊं, लोकसभा तो अभी दूर है, लेकिन जिस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का एक 37% वोट बैंक वो पेंडुलम की तरह झूल रहा है, और उस पेंडुलम को हमने कई बार देखा है कि ये पेंडुलम कभी नौकरी का इशू होता है तो कई ऐसी भर्तियां लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 साल से चल रही हैं जिसमें भर्तियां
निकलती हैं, लोग अप्लाई करते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग अप्लाई करता है और उसके बाद वो हाई कोर्ट से सालों साल भर्तियां लटकी रहती हैं लोगों के, ना ही कोई नौकरी के अंदर होता है ना ही उनका पे स्केल स्टार्ट होता है। ठीक वैसे ही नगर निकाय चुनाव में ये जो दुश्वारी हाईकोर्ट का, कल से कई मैंने नेताओं को सुना अलग अलग दलों के, और लोग कोर्ट को ऑनरेबल डीके उपाध्याय और दोनों डबल बेंच का जो फैसला कल का आया है उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो इस ब्लेम गेम में मैं अपने काबिल स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी के जो हैं उनसे, नहीं तो गोस्वामी जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो नगर निकाय चुनाव की गाइडलाइन सरकार ने तैयार की थी ये नगर विकास विभाग तैयार करता है, और नगर विकास विभाग को हेड कर रहे हैं एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, या यूं कहिए रिटायर्ड नहीं, प्रधानमंत्री के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट वो उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनके प्रमुख सचिव ने, उनके डिपार्टमेंट ने ये किस तरह की नीति तैयार की जो हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी? मैं गोस्वामी जी से इस पे जवाब चाहता हूं कि वो रोशनी डालें अपने। अब्बासी साहब बीच में कट गया था जब थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हम हो गए थे, आज रिपीट कर देते हैं। गोस्वामी जी मैं रिपीट करता हूं, मैं आपसे मैं ये कह रहा हूं अपने पैनल से कि मुझे तो उत्तर प्रदेश की पब्लिक पेंडुलम की तरह नगर निकाय चुनाव के इस एग्जाम्पल से झूलती हुई दिख रही है, और वो इसलिए कि कई बार हम पिछले 6 साल से 7 साल से देख रहे हैं कि नौकरियां लोग अप्लाई करते हैं, युवा बड़ी तादाद में, मतलब पीएचडी के लोग भी वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट के बहाने से उसको कई साल, 2-2 साल 2.5 साल तक लटका के रखा जाता है। क्या नगर विकास विभाग, जिस विभाग ने प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है, क्या उस के प्रमुख सचिव, उस विभाग के अधिकारियों ने जब ये रिपोर्ट तैयार की थी आरक्षण पे, किसको इस इतने गौर से नहीं देखा गया कि इसको हाईकोर्ट से रिजेक्शन मिल जाए? क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं अब्बासी साहब देखिए, वो जो नगर विकास विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो तो अपनी जगह पर है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी आयोग की है कि आयोग उसको चेक करे कि सारे फॉर्मेट में है कि नहीं है या क्या करना है। ये निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं वो भी सही बात है कि नगर विकास विभाग को ये सारी प्रक्रियाओं को, चूंकि ये शहरी चुनाव है, उसको लेके उसको इन सारी फॉर्मेलिटीज को और सारी लीगल चीजों को देख के सारी चीजों को कंप्लीट करना चाहिए था। और ये बात भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नौकरियों का मामला हो, जगह निकलती है तो यहाँ का युवा वो पेंडुलम बना हुआ है। ये चुनाव जो है ये आप बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है, और ये कितनी, मतलब ये तो मुझे लगता है कि ये तो एक प्रकार से अक्षम्य अपराध हुआ है, क्योंकि जब एक गाइडलाइन थी तो उस गाइडलाइन की फॉर्मेलिटीज को पूरा होना चाहिए था। खाली ये कह के चूंकि वो 13 से चला आ रहा है, जैसा कि जैन साहब ने कहा, तो अगर मान लीजिए 13 से चला आ रहा है और जब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है तो उसके बाद वो 13 में तो नहीं आई थी, वो तो अभी आई है, तो उसके बाद ये जिम्मेदारी किसकी थी? 13 की सरकार की तो नहीं थी ये, तो जो और हो भी 13 की सरकार की जिम्मेदारी, मान लीजिए उधर लापरवाही हुई हो तो आप क्या कर रहे थे? तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? ये कह के तो आप नहीं बच सकते हैं कि साहब वो 13 में हुआ था इसलिए 13 की मैं परंपरा मानता चला आ रहा हूं। तो ये बचकानी बातें हैं। मुझे लगता है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से घिरी हुई है, और सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब तो समय से चुनाव हो ही नहीं सकते। मुझे लगता है प्रमोद जी इसका जवाब, प्रमोद जी इसका जवाब केसी जैन जी बेहतर तरीके से देंगे, क्योंकि केसी जैन जी जी हमारे साथ अब्बास जी जुड़े हुए। अब्बास जी अगर बात करें जिस तरह से सरकार ने जो ड्राफ्ट रखा था उसमें ओबीसी आरक्षण में ट्रिपल टेस्ट जो फॉर्मूला है वो लागू जो है नहीं किया गया था, ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने किन मुद्दों को, किन आंकड़ों को जो है उसका बनाकर ड्राफ्ट तैयार किया और फिर हाईकोर्ट के समक्ष रखा? ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार ने सही तरीके से अध्ययन नहीं किया और सीधा ड्राफ्ट उठाकर हाईकोर्ट में रख दिया? गोस्वामी जी भी कह रहे थे और वकास साहब ने भी बहुत अहम मुद्दा उठाया यहाँ पे,
उस पर भी मैं कहूंगा। देखिए सबसे पहली बात तो आयोग का तो गठन ही नहीं हुआ, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में पहला आधार ये कि आयोग का गठन करिए, तो जब आयोग ही का गठन नहीं हुआ तो तय कौन करेगा कि कौन कितनी आबादी है, कितना परिसीमन है। अब अगर जातिगत जनगणना की बात कहें तो उसके भी एक 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 तरीका सरकार के पास शायद ये भी हो सकता है कि वो जातिगत जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके आंकड़े तो रखे हैं, उसको शायद कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, हो सकता है कोर्ट उसे कंसीडर कर ले। देखिए तीन चार चीजें हैं, पहली चीज ये है कि जब ये चुनाव अगर डिले हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सरकार के हाथ में कंट्रोल आ गया, सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सबके कंट्रोल इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के पास आ गए। हाईकोर्ट ने जो 12 तारीख को अपॉइंट किया उसके बाद ही सरकार ने एक प्रोसेस बनाया कि भाई जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे और जीएम तीन लोगों की कमेटियां वो अब कंट्रोल करेंगी सारे नगर निगम नगर निकाय। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास तब तक तो कंट्रोल आ गया, जनता की चुनी हुई जो नगर की सरकार है वो नहीं रहेगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो आरक्षण है ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का सरकार का बहुत बड़ा प्रहार है, वो भी हमको देखने को मिला। तीसरी बात, इन सबके बीच में कहीं ना कहीं जब हम सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है, अगर सरकार ऐसी बात कह रही कि हम सुप्रीम अभी स्पष्ट नहीं है, कह रहे शायद हम 333 फॉर्मूले को उसमें लाएं, उसका हम इस्तेमाल करें, अभी ये कंफर्म नहीं है जिनकी बात से लग रहा है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो आपको याद होगा जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक चुनाव इसलिए नहीं हो पाए हैं कि वहां के परिसीमन का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो आप देखिए इतना समय लगता है तो कई साल लग जाएंगे। और अगर अब्बास जी, योगी आदित्यनाथ का तो यह भी कहना है कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव होंगे ही नहीं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर निकाय चुनाव कब तक होंगे और कितना वक्त लगेगा। इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि सरकार ने जो ड्राफ्ट हाईकोर्ट में दिया है वो किस आधार पर दिया है, क्योंकि 1993 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो तो शैक्षण के आधार पर बना है, और जो याचिकाकर्ता ने जो अपील लगाई है उसका यही कहना है कि जो निकाय चुनाव होने वाले हैं वो राजनीतिक मुद्दा है। देखिए जो उन्होंने कहा है वो बताएं कि क्या वो हाईकोर्ट के मानना करेंगे चुनाव करा करके, या फिर वो उसको उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट जाके पलटवाएंगे, इससे रिश्ते से भी काम नहीं चलना होगा, रिवर्स करना होगा इस फैसले को। तो योगी आदित्यनाथ जी ये भी तो स्पष्ट करें ना पहले, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कश्मीर वाला हाल ना हो जाए कि परिसीमन में पता चला 2.5 साल से मामला लटका हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हायर बेंच में भेजेगी। देखिए जब एक बेंच ने फैसला ले लिया कि ट्रिपल टेस्ट करना है और ट्रिपल टेस्ट नहीं किया तो हायर बेंच में रिफर करेगी अगर किसी छोटी बेंच में जाते हैं, तो आप समझिए बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा, इसमें समय लगेगा। दूसरी बात, देखिए चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे भी वकार साहब ने कहा 6 वर्ष में जितनी भी भर्तियां हुई उत्तर प्रदेश में सबके जो एप्लीकेंट थे उनको न्यायालय जाना पड़ा, और आप देखिए कि एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में हो गई हो कायदे से ईमानदारी, तो आप मुझे बताइए। इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी इसी विषय में किस तरह से पिछड़ों और अन्य ओबीसी एससी लोग आरक्षण पाने में आए, ये लगातार उत्तर प्रदेश जीने का है। और हमारा देश जो है वो सेंटर और स्टेट में सिर्फ पक्ष से नहीं चलता है, पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है। आपके नेता अखिलेश यादव जी बैकवर्डों के नेता कहलाते हैं 2022 के आम चुनाव में। हम लोगों ने, गोस्वामी जी अगर मैं सही कह रहा हूँ, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड का फ्रंट कार्ड एकदम प्ले किया और उसमें बहुत मुखरता से लड़े, पूरा चुनाव उस पे लड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में घोषित निषाद पार्टी, अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी और अघोषित ओम प्रकाश राजभर जी की, जो कि समाजवादी पार्टी से ही हम लोगों को पता चल रहा है मीडिया को कि शायद वो नए साल में या पुराने साल के किसी एक दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर जाएंगे, ये तीनों रीजनल पार्टीज जो हैं ये लड़ाई लड़ रही हैं और इनका ओरिजिन ही खड़ा हुआ बैकवर्ड के ऊपर। ये स्टैंड है। दूसरा, समाज भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य बैकवर्ड का एक बड़ा चेहरा है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के 10 मिनट के अंदर उनका ट्वीट आ जाता है कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा, आरक्षण हमारे लिए सर्वप्रथम है। क्या बतौर समाजवादी पार्टी 125 विधायकों की ऑपोजिशन की पार्टी, आपका आपके नेता का क्या ये फर्ज नहीं बनता कि भारतीय जनता पार्टी के इन अलायंस सो कॉल्ड
ओबीसी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी जिनके शोरूम जिनकी दुकानें ही ओबीसी के वोट बैंक के ऊपर खड़ी होती हैं, क्या इनको घेरना आपका काम नहीं? एक सिर्फ ट्विटर से और फेसबुक से घेरा जाएगा इनको? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आपको जानकारी नहीं है। पहले ही अखिलेश जी, शिवपाल जी सबके बयान आ चुके हैं, सब स्पष्ट कर चुके हैं। पहले अखिलेश बयानों से मैं बयानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। मैं बयान पे ही बता रहा हूँ, बयान क्या कहा है वही मैं बता रहा हूँ। अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया पहले कि हम ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया, उसके बाद केशव मौर्य जो पिछड़ों का नेता अपने आप को मानते हैं उनका बयान आया। और जहां तक लड़ाई लड़ने की बात, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के जेलों को भरने का काम करेगी उस मुद्दे पे। ये इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ना ना सिर्फ हमारा आप समझ लीजिए अधिकार है, बल्कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे पे लड़ाई लड़े। क्योंकि कहीं जहां भी अखिलेश यादव जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो पिछड़ों के नेता, अखिलेश यादव जी संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के नेता है, वो जनता के दिलों में राज करते हैं। और यही वजह रही है कि समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 साल में, आप देखेंगे 2019 में जिस भारतीय जनता पार्टी को 50% मत प्राप्त हुए थे, 2022 को आते आते 40% पे भारतीय जनता पार्टी थम गई, 10% वोट समाजवादी पार्टी ने उनका। अब्बास जी अगर मत प्रतिशत की बात, एक मिनट की बात उसको भी याद कर लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे जो है लड़ाई समाजवादी पार्टी जमीन पे भी लड़ेगी, सड़क पे भी लड़ेगी, और जो भी न्यायालय में लड़ाई लड़नी है वो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लड़ेगी आपके माध्यम से। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को सुनिश्चित कराना चाहता हूँ। और ये लड़ाई सिर्फ पिछड़ों की नहीं है गोस्वामी जी, मैं आपको, हम जरूरी नहीं है हम उस पिछड़ों का हिस्सा हो, लेकिन ये लड़ाई हमारे देश के संविधान की है। ये खिलवाड़ हमारे देश के संविधान में जो निहित अधिकार है उनके उनके साथ हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई लड़ना हर उस नागरिक का दायित्व है जो हमारे देश के संविधान में विश्वास रखता है, जो हमारे देश के न्यायिक मूल्यों में विश्वास रखता है। अब्बास जी, 8 साल हो गए हैं, ऐसे में आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ ओबीसी आरक्षण के लिए किया गया? क्योंकि आपकी पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष की जो भूमिका है वो निभाते हुए नजर नहीं आ रहे आप लोग। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का निर्देश आ गया उसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है? तो हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर आपने आरक्षण क्यों नहीं जारी किया गया, हम तो शुरुआत से ये बात कह रहे हैं। आप ये बताइए, आप हमारी हाईकोर्ट का जब निर्देश आएगा तभी तो हम प्रतिक्रिया देंगे, बिना उसके प्रतिक्रिया हम कैसे दे देंगे? क्योंकि कोर्ट तो न्यायालय के आधार पे फैसला, न्याय के आधार पे, मेरिट के आधार पे फैसला देगा। जब न्यायालय से आदेश आया तभी तो हम सवाल उठाएंगे, और जब न्यायालय साफ साफ कह रहा है कि सरकार ने नियमों की अवहेलना करी है तो इसमें हमारी आपकी बात कहां चलेगी? यही बात तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि आरक्षण के मुद्दे पे ये जेल भरो आंदोलन करेंगे। उदय, मैं चाहूंगा कि आपकी गोस्वामी जी से, प्रमोद गोस्वामी जी से पूछें कि उनके अपने, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछें कि उनके तजुर्बे से पुरानी सरकारों में जो चुनाव हुए, निकाय चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, आम चुनाव हो, क्या उनको क्या लगता है कि क्या ये कुछ अलग, एक अलग उदाहरण भारतीय जनता पार्टी बनाने जाने वाली है इस बार? जी, तो जी आपने बात को सुना जी, ऐसा नहीं है कि ये अलग मुद्दा कुछ बनाने जा रही है। अगर उसमें प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से देखे, कोई सुधार करे, राजनीतिक दल सुधार करे, आंदोलन न करे, क्योंकि प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत आधार पर टिकी हुई है। सरकारों को बदलाव बिगड़ना भी इस पर निर्भर करता है। पिछले लगभग 3 दशकों से तो मैं बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, और ओबीसी को दरकिनार करके ये भाजपा की हिम्मत है और ना ही किसी अन्य राजनीतिक दल की। बाकी लोग तो ओबीसी की राजनीति करते हैं या दलित राजनीति करते हैं या फॉर्मर की राजनीति करते हैं, अब स्थिति ये है। तो ऐसी जिससे जो पुरानी बात है, पुराने समय में जो आरक्षण की व्यवस्था थी कि उन सीटों को अपने लिहाज से जब भी जो सरकार होती थी कि कौन सी ओबीसी करना है और कौन सी महिला करना है, कौन सी जनरल करना है,
लेकिन उसी वजह से शायद ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिकाएं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नकल टेस्ट की बात को रखा ताकि कहीं उसमें जो इलेक्शन मनमाने ढंग से वहाँ जो आरक्षण कर दी जाती थी सीटें हैं फॉर एग्जाम्पल वहाँ 20% ओबीसी के लोग हैं और बाकी 80% जो है मान लीजिए उसमें अदर कास्ट के हैं या अपर कास्ट ज्यादा है या एससी ज्यादा है लेकिन अगर सरकार ने या आयोग ने उसके ये तय कर दिया कि नहीं या तो आरक्षित होगी या महिला होगी जी प्रमोद जी आपकी बात को समझ के हम प्रमोद जी आपकी बात को समझ के लौटूंग मैं हमारे पास वक्त की कमी हमारे साथ केसी जैन जी भी बोल रहे हैं केसी जैन जी अगर बात करें निकाय का कार्यकाल खत्म होने वाला है वैसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी का गठन करें और वो कमेटी कार्य देखेगी एक तो ये दूसरी बात ये है कि सरकार को कितना वक्त लगेगा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर निकाय चुनाव कराने में एक बड़ा सवाल ये दो सवाल है आपसे मैं समझना चाहूंगा दोनों को लेकर देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहीं पर यह नहीं कहा कि ओबीसी के अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है पहली बात दूसरी बात ये कि उच्च न्यायालय ने तो ये भी कहा है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने तो ये भी कहा है कि आप बिना ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को लागू किए आप चुनाव कराइए लेकिन सरकार की मंशा क्या है सरकार चाहती है कि ओबीसी का आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को पूरा मिले तो सरकार की यहाँ पर कहाँ पर कमी है और एक चीज अभी आदरणीय गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि परसेंटेज कहीं पे कुछ है और लोग सीटें कहीं पे कुछ कर देते थे 2013 में ये व्यवस्था आ गई थी उसके बाद में कई सारे चुनाव हुए उसके बाद में समाजवादी पार्टी सरकार में नगर निकाय के चुनाव हुए क्या नगर निकाय के चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार में लागू हुई नहीं लागू हुई लेकिन ये लेट लतीफ कौन कराना चाहता है लेट लतीफ वो लोग कराना चाहते हैं जिनकी तैयारी नहीं है यहाँ पे बूथ से लेकर के और सेंट्रल तक जैसा कि समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है किसकी तैयारी नहीं है जैन साहब केसी जैन जी यही पूछे जा रहा हूँ आपसे कि आप किस आधार पर चुनाव होंगे क्या हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि बिना आरक्षण के ही चुनाव कराए जाए उस आधार पर चुनाव होंगे या सरकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव कराएगी ये समझना चाह रहा हूँ आपसे और कब तक चुनाव होंगे जी जी देखिए देखिए जहां तक चुनाव कराने की बात है चुनाव समय से हो जाए इसीलिए नोटिफिकेशन जारी हुआ लेकिन कुछ लोग उच्च न्यायालय में गए और उसके बाद में उस पर रोक लगा दी गई कि अभी आचार संहिता लागू नहीं होगी और जब तक आचार संहिता नहीं लागू होगी तब तक ये सारी चीजें कोर्ट में पेंडिंग रही ऐसे में 15-20 दिन तो इसी में चला गया अब तक चुनाव भी हो गया होता और दूसरी बात यह है कि जो आरक्षित सीटें की गई हैं ये उनको ये सब पूरा आकलन करने के बाद कहां पे कौन सी सीट आरक्षित हो सकती है दूसरी बात ये कि अभी आदरणीय गोस्वामी जी से कहा कि भाई 80% तो जनरल वहां पे लोग हैं सीट हो गई ओबीसी लेकिन वहां पे ओबीसी तो हर वर्ग का लड़ेगा ना जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो ओबीसी का जजमेंट हमें दिखवा दीजिए जैन साहब वो 800 पन्ने का जजमेंट हमें दिखवा दीजिए जो आया है नहीं नहीं बिल्कुल मैं हमारे पास उसका पीडीएफ पूरी फाइल है आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे हम आपको पूरा पीडीएफ भेज देंगे मैं हाईकोर्ट प्रैक्टिस भी करता हूँ और हमारे पास पूरा जजमेंट है मैं आपको जजमेंट की पूरी कॉपी भेज दूंगा हमारे पास वक्त की कमी है केसी जैन जी केसी जैन जी हमारे पास वक्त की कमी है जैन साहब एक टिप्पणी में करना चाहूंगा जैन साहब ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला हमारी सरकार में आया ही बता दू ये फॉर्मूला 2013 में आ गया सुन लीजिए इससे पहले चुनाव हुए तब तक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अरे साहब समाजवादी पार्टी सरकार में जो नगर निकाय चुनाव हुए वो क्या इसके बाद हाई कोर्ट का आदेश है मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको हिंदी में हाई कोर्ट का आदेश एक मिनट अगर आप भी बोलेंगे तो आवाज ओवरलैप करेगी हाई कोर्ट आदेश में कि हम सरकार को डायरेक्शन मैं आपको रुकना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पे ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पे आरक्षण कराए उत्तर प्रदेश में क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा अब्बास जी संक्षिप्त में हमारे पास वक्त की बहुत कमी है अब्बास जी संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिए हमारे पास वक्त की कमी है जी मैं लौटूंगा अब्बास जी अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े प्रमोद जी आपने पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश की आपसे अंत में यही समझ चाहूंगा कि अब किस तरह से सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी और
जो निकाय चुनाव है वो कब तक हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो ये कहा है कि आप इसको जितना हो सके जल्द से जल्द कराएं। और एक और बात समझ चाहूंगा, क्या इससे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ता है नजर आएगा बीजेपी? प्रमोद जी, प्रमोद जी रोकूंगा मैं आपको, प्रमोद जी रोकूंगा। वारसी जी आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से प्रमोद जी ने अपनी बात रखी आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? मैं प्रमोद जी की बात तो सुनना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल प्रमोद जी की बात को मानता हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी के 87-88 पेज के ऑर्डर को शायद मुझे लगता है कई दिन सोचने वाले नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको 800 पेज का बता रहे हैं। तो सरकार गिरी भी हुई है और मुझे लगता है इस समय प्रमोद जी सबसे बेहतर स्थिति को बता सकते हैं कि सरकार आगे लोकसभा के लिए सेंटर स्टेट का क्या इक्वेशन चल रही है। प्रमोद गोस्वामी जी आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आप बहुत विशेष तौर पे इस पे एक नजर भी बना के रखते हैं, तो आप बताएं केसी जैन साहब को कुछ आप मुझे लगता है कि एडवाइस करें। देखिए अब उसमें बेचारे केसी जैन साहब क्या करेंगे, उसमें तो जी उसमें तो सरकार और संगठन को देखना तय करना होगा। ये तो एक उसके मोहरे हैं, ये तो जो आएगा वो बेचारे कह देंगे, ये ना तो नीत नियामक है और ना ही ये नीत बना सकते हैं। दिक्कत ये है कि 24 यही भाई साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, दिक्कत सरकार के सामने सबसे बड़ी हाई कोर्ट ने ये पैदा कर दी है कि और एन वक्त पर आकर इधर खंदक है इधर खाई है, तो अब इनको कूदना समझ में नहीं आ रहा सरकार के खंदक में कूदे कि खाई में कूदे। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है इनके सामने कि अब ये चुनाव 31 तारीख का हो गया, अब इस पर प्रशासक बैठ जाएंगे, पंचायत चुनाव में भी यही स्थिति पैदा हुई थी, मारामारी हुई थी जी। तो ये कई चीजें विकृतियां सामने आ गई हैं और सरकार इसमें निश्चित रूप से उसने केसी जैन जी अगर बात करें ओबीसी आरक्षण अब सरकार के लिए ऐसी है जैसा प्रमोद जी का कहना था कि एक ऐसी हड्डी बन गई जो ना तो निकल सकते ना उगल सकते हैं, और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या समय पर निकाय चुनाव ना होने का जो नुकसान है वो आने वाले समय में बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की करीब 32-35% आबादी जो है वो ओबीसी वर्ग से है, और ओबीसी वर्ग को दोनों ही चाहे वो सपा हो या बीजेपी हो दोनों ही पार्टी साधने की कोशिश करती है। ऐसे में अगर समय पर निकाय चुनाव नहीं होंगे तो क्या इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा या ओबीसी को इसका बीजेपी को इसका नुकसान होगा? सर 30 सेकंड। देखिए नहीं बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी नफा नुकसान से ज्यादा संवैधानिक प्रक्रिया पे ज्यादा विश्वास करती है, और जो 27% आरक्षण उनको मिलना चाहिए था वो दिया गया था, फिर भी कुछ लोगों की आपत्तियां थी, उसके आधार पर वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका सरकार भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, और ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अगेंस्ट आप उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते, हाईकोर्ट के निर्णय के अगेंस्ट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अभी रास्ता खुला हुआ है और सरकार भी उस पर मंथन कर रही है, जैसा कि हमने आपको बताया 700 से ज्यादा पेजेस का जो ऑर्डर है उस पर पूरा सरकार मंथन कर रही है, और साथ ही साथ जो विधि विशेषज्ञ है उनसे भी राय ले रही है उसके अनुसार आगे। जो आप ऑर्डर बता रहे हैं 700 पन्ने का एक बार वकास भारती जी को जरूर दिखा दीजिएगा, बहुत सारा है क्योंकि आपकी बात पर नहीं बिल्कुल देखिए कहीं पर भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा, आप ये जान लीजिए। और मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था SC ST आयोग के बारे में,
और फिर उससे ये हो रहा था कि एससी एसटी आयोग का जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके बाद में एससी एसटी आयोग एकदम अपंग हो गया, उसकी कोई ताकत नहीं बची है। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सदन के अंदर विश्वास प्रस्ताव पारित करके कानून बना करके उस एससी एसटी आयोग को वैसा की वैसा ही रखा, यानी कि जिसके जो अधिकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। वक्त की कमी है, इसमें रोकना चाहूंगा आपको। आपकी बात को हमने सुना, जनता ने भी सुना, और अब जनता को फैसला करना है कि किस आधार पर उसको अपना आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि चुनना है। केसी जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही हमारे साथ सपा से राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर जी जुड़े सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े सर, आपको भी धन्यवाद, और हमारे साथ चैनल हेड उत्तर प्रदेश के विकास वासी जुड़े सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से जो निकाय चुनाव का आरक्षण है उसको लेकर जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार किस तरह से अपनी दलीलें जो है वो आगे हाई कोर्ट में रखती है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और ये आरक्षण का जो मुद्दा है अब कब तक सुलझ पाता है ये आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।